अहम खबर आ रही है तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आपको बताएं कि एफआईए ने इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामिद जमान को गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, ये तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अभी बिल्कुल एफआईए हुकाम के मुताबिक हामिद जमान पर इल्जाम है कि उन्होंने इंसाफ ट्रस्ट के नाम से एक जाली अकाउंट खोल रखा था जिसमें 6,25,000 जो है वो विल्डन क्रिकेट क्लब से आए थे और इसके बारे में उन्होंने किसी को आगाह नहीं किया था। तमाम तहकीकात के बाद एफआईए ने हामिद जमान को लाहौर के वारिस रोड से गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुकदमे को भी फ्री रखा गया है। हामिद जमान के वकला की जानिब से ये कोशिश की गई है कि इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी कॉपी को हासिल किया जाए, लेकिन एफआईए हुकाम का अभी इनको कॉपी देने से इनकार उनको किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इनसे जो है वो अभी मजीद तहकीकात जो है वो की जाएंगी और इन फॉरेन फंडिंग केस में इनको हिरासत में लिया गया है। इमरान खान के ये फ्रंट मैन के तौर पर भी जाने जाते हैं और इनके साथ इस्लामाबाद से भी एक अहम गिरफ्तारी जो हुई है। उसके बाद एफआईए हुकाम का ये कहना है कि मजीद तहकीकात के बाद इसकी तफसीलात जो है इनकी गिरफ्तारी के हवाले से वो जारी की जाए। ठीक है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जैसे जैसे बातें सामने आती रहेंगी आवाम के सामने रखा जाएगा। इस मामले को अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका।